और आपने अभी अभी इच्छा जताई थी उप मुख्यमंत्री बनने की, जो खबरें निकल कर सामने आई थी, और उसमें नीतीश कुमार ने पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई इंतजाम में लगे हुए, अभी कहा सर दही चूड़ा के लिए क्या कुछ इंतजाम चल रहा है? दही चूड़ा जाकर वहाँ देखिए ना, बुद्धा स्टॉक रखा हुआ है। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पूछे गए सवाल से भागते नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा वैसे तो मीडिया से बातचीत करने में काफी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार ने उनके उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर पूर्ण विराम क्यों लगा दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी दही चूड़ा के भोज पर ध्यान दीजिए। अब इस दही चूड़ा के भोज पर ध्यान दीजिए को क्या समझा जाए? क्या दही चूड़ा के भोज के बाद बिहार की राजनीति में खेला होने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का हाथ छोड़कर दूसरे पाले में जाने वाले हैं? वैसे आपको सुना देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से इच्छा जताई थी कि वो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेंगे। तो आप बनेंगे उप मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए, अब ऐसा करें कि मौका मिलेगा। हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए, लेकिन हाँ अब अपनी ओर से हम कोई डिमांड रख रहे हैं, कोई आकांक्षा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे विषयों पर निर्णय लेना माननीय मंत्री जी का काम होता है, निर्णय लेंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई बहुत चर्चा की जाए इसकी उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार भी हो सकता है, इस बात की भी चर्चा तेज है। नहीं, इस बात का जवाब भी मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कब विस्तार होना है और किनको लाना है नहीं लाना है, इस पर दूसरा व्यक्ति का जवाब देगा। विषय तो सीधे मुख्यमंत्री जी का विषय। अब इसके बाद नीतीश कुमार ने क्या बोला था वो भी जरा सुन लीजिए। नीतीश कुमार के पास जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अब बिहार में दो उप मुख्यमंत्री होंगे, क्या तेजस्वी और लालू परिवार इस बात के लिए तैयार है, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सब आप कहाँ से सुन लेते हैं, ऐसी तो कोई खबर ही निकल कर सामने नहीं आई है। आइए आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। कहाँ मंत्रिमंडल का भाई, तो मंत्रिमंडल का ही फालतू से बात चलता है। तो मान लीजिए दू गो जिनका हट गया वो बना देंगे, ये तो अलायंस है ना जी, सात दलों का, तो उसमें तो तय है ना किसका कौन बनेगा। तो दो का उनका हट वही करेंगे, एकाध और जो है जो भी और एक दो है कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई सातों पार्टी की बात है, वो गलत फहमी है। आ कोई हम देख रहे थे गुरु की उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का, अरे वो तो पिछली बार दो उप मुख्यमंत्री वही लोग किए, अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे, हम तो बनना नहीं चाह रहे थे, बढ़िए एकदम ही करके हमको कह रही आप बनिए, उसके पहले तो एक ही था। ये कौन सा चीज है, काहे का ये सब चीज दिमाग में आता है? जिस तरह से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के उप मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पूर्ण विराम लगाया, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा है बस कि अब आप दही चूड़ा के भोज पर ध्यान दीजिए। यानी कि ये समझा जा सकता है कि दही चूड़ा के भोज के बाद बिहार की राजनीति में खेल हो सकता है। ऐसे भी कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में काफ़ी उलटफेर देखने को मिलने वाला है। वैसे में कुशवाहा जी भी हो सकता है कि दूसरे दल में जा सकते हैं। नीतीश कुमार का जो पोस्टर भी लगाया गया है दही चूड़ा के भोज को लेकर, जो उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पर करवा रहे हैं, उसमें इतनी छोटी सी फोटो दी गई है कि मानो नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। अब इस फोटो से कब खुद नीतीश कुमार गायब हो जाएंगे और कब उपेंद्र कुशवाहा उन्हें गायब कर देंगे, ये तो देखने वाली ही बात है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के साथ वो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सवाल ये कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार के साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं तो बार बार उन्हें इस बात को प्रूव क्यों करना पड़ता है, और नीतीश कुमार उनके हर इच्छा पर पूर्ण विराम क्यों लगा देते हैं? क्योंकि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, उसमें भी नीतीश कुमार ने पूर्ण विराम लगा दिया और कहा कि तेजस्वी जो हैं वो 2025 में नेतृत्व करेंगे इस महागठबंधन का, और इस बार उप मुख्यमंत्री की भी इच्छा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुशवाहा जी तो दर्शाते रहते हैं कि वो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनकी
मजबूती को और उनकी मोहब्बत को समझ नहीं पा रहे हैं। इस खबर में इतना ही, बाकी की सभी खबरों के लिए बने रहें आईवी टीवी के साथ। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं अदिति सिन्हा, आईवी टीवी पटना, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।